दिल्ली के महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल के तीन बच्चों ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो कि डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। देखिए, दावा तो यही है कि डिस्लेक्सिया नाम का ये जो ऐप है उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिसमें डिस्लेक्सिया के लक्षण नजर आते हैं, और अगर ये दावा सही साबित होता है तो डिस्लेक्सिया की वजह से पढ़ने लिखने में परेशानी झेलने वाले कई बच्चों की मदद हो सकेगी। खेल खेल में कैसे कोई ऐप डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की तकदीर बदल सकता है, रोजमर्रा की उनकी चुनौतियों को दूर कर सकता है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन स्कूल के बनाए लर्नेक्सिया ऐप ने ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद जगाई है। इस ऐप को तीन बच्चों कनक, वैभव और तमन्ना ने बनाया है। इनका दावा है कि लर्नेक्सिया ऐप उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिनमें डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं। गुड न्यूज टुडे को जब इसकी जानकारी मिली तो वो इस ऐप को जानने समझने महाराजा अग्रसेन स्कूल पहुंचा। डिस्लेक्सिक स्टूडेंट, वो बच्चे जिन्हें पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है, ये इन बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? इनके पहचान करने के लिए महाराजा अग्रसेन स्कूल के बच्चों ने बनाया है लर्नेक्सिया ऐप। इस ऐप की मदद से डिस्लेक्सिक स्टूडेंट की पहचान की जा सकती है। चलिए अब डेमो के जरिए समझते हैं कि कैसे लर्नेक्सिया ऐप के जरिए डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की पहचान की जाती है। ये हमारी ऐप लर्नेक्सिया है एंड दिस इज दी मेन्यू पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज द प्रोफाइल पेज, देयर इज द होम पेज, देयर इज द एनालिसिस पार्ट, देयर इज द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड द नो योरसेल्फ पेज। सो अगर हम आपको एनालिसिस स्क्रीन पे अभी लेके जाए तो दीज आर आवर गेम्स। सो दिस इज द टाइप ऑफ अ मेमोरी गेम एंड इसमें होता ऐसा है कि हम डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स की मेमोरी को एनालाइज करते हैं एंड इससे हमें पता चल जाता है कि उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर कितनी है एंड उसी के बेसिस पे हम उनको फिर आगे और ऐसी गेम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी ये बेसिक स्किल्स ही डेवलप हो पाए। अंडर द नो योरसेल्फ पेज जो भी चाइल्ड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं एंड कौन से टाइप का डिसलेक्सिया है, व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ डिसलेक्सिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नो योरसेल्फ पेज पे मिल जाती है। खास बात ये है कि जिन बच्चों ने ये ऐप बनाया है ये साइंस बैकग्राउंड से ना होके ह्यूमैनिटी यानी आर्ट साइड और सोशल साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है और इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने आईटी की तैयारी की है, सॉफ्टवेयर सीखा है, आईटी की जो लैंग्वेजेस है उन्हें सीखा है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज़ टुडे।